बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं नय्यर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल्टर ऑनलाइन एक प्रॉपर्टी का चैनल है जहां पर आपको प्रॉपर्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो में मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स, तमाम देखने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आज हमारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से और आप सबकी मोहब्बतों के बायस 1,00,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए। 1,00,000 का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। अब हमारी जो अगली मंजिल है वो इंशाल्लाह ताला 10,00,000 का टारगेट है। उसमें भी मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, लेकिन हमें उसका थोड़ा सा फीडबैक मिलता है कि हमारी हेल्प हो जाती है और हमारी हिम्मत अफजाई होती है, हौसला अफजाई होती है, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक अपार्टमेंट विजिट कराऊंगा जो कि बराए फरोख्त है। सेकंड फ्लोर का ये अपार्टमेंट है, जमशेद टाउन, जमशेद रोड, मेन जमशेद रोड का अपार्टमेंट है जहाँ पे यादगार फिश है। सब लोग कराची में जानते हैं जमशेद रोड की यादगार फिश बहुत मशहूर है। यादगार फिश के बिल्कुल सामने मेन रोड की बिल्डिंग है, मेन रोड के ऊपर ये अपार्टमेंट वाक़ है और इसके अंदर 2 तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। 3 बेड का अपार्टमेंट अलग है और 2 बेड का अपार्टमेंट अलग है, और दोनों एक भी बना लें तो एक भी है। तो टोटल अगर 5 कमरों का अपार्टमेंट, 5 बेड का अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं तो पूरा आप खरीद सकते हैं। अगर 3 का अलग और 2 का अलग खरीदना चाहते हैं तो भी इसके अंदर ऑफर है। ये इंशाल्लाह वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको इस अपार्टमेंट की पूरी वीडियो दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये अपार्टमेंट देखने में कैसा लगता है। पूरा आपको यादगार फिश पर ले जाकर सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे या पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और उसके लिए फिर आप कॉल करते रहेंगे, कॉल करते हैं, बाद औकात कॉल नहीं मिलती तो फिर आप लोग दुखी हो जाते हैं कि जनाब नय्यर साहब तो कॉल ही नहीं उठाते। तो वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है, आप यहीं से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश किया करें बराए मेहरबानी। आज एक चीज़ और भी आपसे शेयर करनी है कि मेरे वो तमाम नाज़रीन, तमाम देखने वाले, तमाम साथी जो कि सस्ते प्लॉट्स की तलाश में हैं, जिनको आज फौरी घर नहीं बनाना लेकिन वो चाहते हैं कि अपने लिए, अपने आने वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों में आसानी पैदा करने के लिए कोई सस्ता प्लॉट ख़रीद लें। प्लॉट जेन्युइन होना चाहिए, प्लॉट के कागजात पक्के होने चाहिए, प्लॉट सस्ता होना चाहिए। तो ये तीनों क्वालिटियाँ मेरे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपको सस्ता प्लॉट भी दे सकता हूँ, जेन्युइन प्लॉट दे सकता हूँ और 1 नंबर फाइल, बिल्कुल हर लिहाज से गवर्नमेंट के तमाम इदारों से अप्रूव सोसाइटियाँ हैं। 3 जगह इस वक्त ऐसी हैं जो कि बिल्कुल वैलिड हैं और जहां पे सस्ते प्लॉट आपको मिल सकते हैं। नंबर 1 पे अलकायम सिटी, अलकायम हाउसिंग। अलकायम हाउसिंग में 3 तरह के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं फुल कैश के ऊपर 120, 80 गज का, 400 गज का, 200 गज का प्लॉट लेना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आधे पैसे आप कैश दे दें और आधे पैसे किस्तों पर करवा लें तो भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि फुल का फुल किस्तों पर करवा लें तो भी अवेलेबल है। इनके 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों में अलग अलग सहूलतें अवेलेबल है। दूसरी सोसाइटी जो है वो तेसर टाउन है। तेसर टाउन में भी वो लोग जो कि जिनका बजट कम है वो वहाँ पे प्लॉट आज लेके रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे प्लॉट लेंगे तो लेते ही वो बादशाह बन जाएंगे, नहीं। आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जब आपके पास घर बनाने के पैसे आ जाएंगे आप वहाँ पर घर तामीर कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से जो तीसरी सोसाइटी है वो है MDA हाउसिंग स्कीम नंबर 1, मेन नेशनल हाईवे पे, गुलशन अदीद से ज़रा सा आगे। मैं इसकी वीडियो पूरी डाल चुका हूँ, अपने मेरे चैनल पर मौजूद है, आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखिए। उसमें भी आपको सस्ते प्लॉट मिल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जनाब दूर है और वो जंगल है और ये है वो है। मैं ये कह रहा हूँ जनाब कि आज आपने घर नहीं बनाना, आपने घर बनाना है 4 से 5 साल के बाद। अगर तो आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि 4 से 5 साल के बाद आप घर बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट ले लें, क्योंकि अगर आप 4-5 साल के बाद निकलेंगे प्लॉट लेने के लिए तो ये प्लॉट इतने पैसों में आपको नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है। जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए उसको चाहिए कि वो आज ही कॉल करे, मेरा नंबर सामने डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। अलकायम सिटी में प्लॉट ले लें, तेसर टाउन में ले लें, MDA स्कीम 1 में ले लें, सस्ते प्लॉट हैं। आज कल ये प्लॉट सस्ते नहीं होंगे, तो आज की कीमत में आज प्लॉट ले लें। आज की मिट्टी कल का सोना, मैं इनको ये प्लॉटों को ये कहता हूँ, आज की मिट्टी कल का सोना। अलकायम सिटी हो, बेस्ट स्कीम है, नंबर 1 हाउसिंग स्कीम है पाकिस्तान के अंदर, उस लिहाज से कि जितने सस्ते ये प्लॉट दे रहे हैं और जितनी आसान किस्तों में दे रहे हैं। उसके बाद तेसर टाउन,
नंबर वन हाउसिंग स्कीम है उस लिहाज से कि जो गरीब लोगों को जगह दे रहे हैं, गरीब लोग जहां पे समा सकते हैं वही नंबर वन स्कीम है। देखिए नंबर वन स्कीम में हर लिहाज से अलग अलग होती हैं, हर बंदे की अलग अलग स्कीम होती है नंबर वन नंबर टू, लेकिन मेरे लिहाज से वो नंबर वन स्कीम है जो कि ओरिजिनल है, जो कि जेन्युइन है, जिसके प्लॉट ओरिजिनल हैं, जिसकी ज़मीन ओरिजिनल है, जिसकी फाइल ओरिजिनल है, जिस पर कब्जे का डर नहीं है, जो सस्ते हैं, जिसमें हर गरीब आदमी जाके ले सकता है, वो तीन स्कीम है, MDA स्कीम वन, 63 टाउन और सबसे अच्छी अलकायम हाउसिंग सोसाइटी, अलकायम सिटी। तो ये तो बात हो गई आज के सस्ते प्लॉट्स के हवाले से। अब हम आपको लेके चलते हैं यादगार फिश पे और आपको दिखाते हैं कि यादगार फिश के सामने हमारे पास कौन सा अपार्टमेंट बराए फरोख्त है। आइए मेरे साथ। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और ये है जमशेद टाउन, 3 नंबर का एरिया है, मेन जमशेद रोड है, जहाँ पे ये नसीब बिरयानी का बोर्ड आपको नजर आ रहा है। इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट है, ये पीले रंग की बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट है जो कि आज बराए फरोख्त है हमारे पास। काफ़ी सारे कमरे हैं इसके अंदर, 3, 4, 5 बेडरूम हैं, सब के साथ अटैच वॉशरूम है। दिखाऊंगा आपको एक एक करके। सबसे पहले आपको इसका मोहल्ले वकूह दिखा दूँ। जो लोग इस एरिया को पहचान रहे हैं वो जान गए होंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है और बहुत ही महंगा एरिया है। यहाँ पे अपार्टमेंट होना या आपका घर होना और एक बहुत ही खुश नसीबी की बात है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा हर वक्त ओपन रहता है, 24 घंटे ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात यहाँ पे मयसर हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फुली कमर्शियल एरिया है, आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं, और बिल्कुल यादगार फिश का सामने वाला एरिया है। ये सामने यादगार फिश आपको नजर आई और आपको पूरा एरिया मैंने दिखा दिया। आप चलते हैं अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका अंदर जाने का रास्ता है, नीचे सारी वो नसीब बिरयानी वाली दुकानें हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर चलते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पर आ गए और हमारा जो अपार्टमेंट है वो सेकेंड फ्लोर का अपार्टमेंट है, तो आपको सेकेंड फ्लोर पर ले जाके दिखाता हूँ कि ये अपार्टमेंट कैसा है। ये आ गया जनाब हमारा अपार्टमेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं आपका दिल खुश हो जाएगा, ऊपर नीचे हर तरफ चमक दमक है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है। छतों के ऊपर आप देख रहे हैं खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है और खूबसूरत रेड कलर का किचन आपको नजर आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल लशपश चमचमाती टाइल्स लगी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया था कि इसमें 3 बेडरूम अलग हैं, 2 बेडरूम अलग हैं, तो सारे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो एरिया है इसके अंदर, जो मतलब बड़ा अपार्टमेंट है, इसका ये किचन है, ये आप देख लें, किचन रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन किचन बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे 3 बेडरूम मौजूद हैं, ये भी आपको वन बाय वन दिखा देता हूँ। 3 के अंदर ही अटैच वॉशरूम आपको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपने सीढ़ियाँ देखी थी, लोहे का जीना है ऊपर नीचे जाने के लिए। असल में फिलहाल अभी ऊपर नीचे दोनों में एक ही फैमिली रह रही है, तो उन लोगों ने ये जीना बनाया हुआ है ऊपर से नीचे आने के लिए। ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये देखें, एक बेडरूम हो गया इसका, ये देखें वॉशरूम है, आप देख सकते हैं खूबसूरत वॉशरूम है, टाइल्स मार्बल के साथ, फुली तमाम तर एसेसरीज के साथ। तो ये हो गया एक बेडरूम। अब आपको दिखाते हैं दूसरा बेडरूम, आ जाए मेरे साथ। ये आ गया जनाब दूसरा बेडरूम, आप देख सकते हैं बहुत ही खुला डुला चमकदार चमचमाता, हर तरफ लाइटें, हर तरफ खूबसूरत डिजाइनिंग है। कमरा आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो ये आ गया दूसरा बेडरूम, इसके अंदर भी अटैच वॉशरूम है, ये भी आपको दिखा देते हैं, ये देख लें। ये हो गया यहाँ का वॉशरूम। अब जाहिर है बच्चों वाला घर है तो थोड़ा बहुत तो वॉशरूम गंदा होता है, आपको पता है कि ये स्पेशली कोई बेचने के लिए वीडियो नहीं बनवाई जा रही है, तो जैसा होता है जैसा जहाँ होता है हम बना लेते हैं जाके। ये रही जनाब यादगार फिश, सामने आपको नज़र आ रही है यादगार फिश के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग है, बहुत ही कमर्शियल एरिया आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त 24 घंटे पुर रौनक एरिया है, ज़बरदस्त एरिया है बहुत है। अच्छा, यहाँ से ये जो गैलरी है, इसी गैलरी से हम चले जाएंगे दूसरे कमरे के अंदर। ये इधर वॉशिंग का इंतज़ाम है, कपड़े वगैरह धो सकते हैं आप यहाँ पे। ये हम आ गए दूसरे बेडरूम के अंदर, तीसरा बेडरूम, 2 पहले बेडरूम आपको दिखा चुका हूँ, ये आ गया तीसरा बेडरूम, ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा बेडरूम है। इसके अंदर भी वॉशरूम अटैच दिया हुआ है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ज़बरदस्त वॉशरूम दिया हुआ है, तमाम तर एसेसरीज के साथ बेहतरीन वॉशरूम है। अच्छा, पानी भी यहाँ पे जनाब अवेलेबल है, मीठा पानी, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, ज़िंदगी की तमाम तर ज़रूरियात सहूलियात तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमने पहले वाले एरिया का विज़िट कर लिया जिसके अंदर एक लाउंज है और 3 बेडरूम है।
तो अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरे वाले एरिया के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो एरियाज हैं, ये पूरा फ्लैट इन्होंने एक साथ ही सेल करना है, लेकिन अगर किसी को एक अलग और दूसरा अलग लेना हो तो इस तरीके से भी बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे दो फैमिलियाँ बहुत आराम से रह सकती हैं, अगर किसी के दो फैमिलियाँ एक साथ रहें, दो भाई हों, तो वो भी आराम से रह सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ से आगे आपको मैं बता दूं कि ये इसका दूसरा पार्ट है। यहाँ पे भी इसी तरह से दो बेड लाउंज इधर है, तीन बेड लाउंज उस तरफ है जो पहले आपको दिखाया। तो ये इसका लाउंज है जनाब, और यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है किचन, पहले वाले से ये छोटा है, ठीक है। ये इसका किचन है, एक ये कमरा है, ये शीशे का इसका डोर है, ये कमरा बंद है, इसकी चाबी अभी इनके पास नहीं है कि इसलिए ये नहीं दिखा सकते। दूसरा कमरा इसके सामने ये खुला हुआ है, ये हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि जो कमरा बंद है वो भी सेम इसी साइज का है, इतना ही बड़ा है। अभी इन्होंने यहाँ पे इसको बेडरूम यूज नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक बेडरूम है क्योंकि इसके साथ अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें काफी बड़ा इसका साइज है, अगर चाहें तो यहाँ बीच में से दीवार डाल के इसको छोटे छोटे बच्चों के दो बेडरूम अलग बनाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं काफी बढ़िया साइज है इसका, और इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है वॉशरूम, ये भी आपको दिखा दूं। तो सामने वाला जो कमरा बंद है वो भी इसी तरह का है। तो ये पूरा जो घर है इसकी डिमांड की जा रही है 1,70,00,000 रुपए, और अलग अलग लेंगे तो उसके लिए फिर बैठ के बात करनी पड़ेगी। 1,70,00,000 रुपये में ये आप खरीदने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं रियल्टर ऑनलाइन से। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रियल्टर ऑनलाइन हर वक्त हर जगह आपके साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।